नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं PWD ऑफिस हिसार की, जहां पे पुलिस आपको नज़र आ रही है, लोग दरी पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे मामले से आपको रूबरू करवाएंगे कि मामला क्या है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, नारेबाजी देख रहे हैं, यहाँ पे बात करेंगे, भीम आर्मी से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग आज जो है बिल्कुल गेट के सामने बैठ के, क्या बात, अंदर नहीं जाने दिया आपको? सर, गेट के सामने हमारे खाकी वाले भाई तैनात कर दिए हैं प्रशासन ने। उनको डर है, उनको ये लग रहा है कि हम तो आतंकवादी हैं। ऐसा नहीं है सर, ये भाई हमारे लिए सुरक्षा के लिए आए हैं। मैं इनका आदरमान सम्मान करता हूँ, लेकिन जो हिसार का जो प्रशासन है उसको शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, इन लोगों के साथ में खड़ा होने के लिए आप इनके अगेंस्ट खड़े हो। जरूरत इनके साथ में खड़ा होने की, आप इनके अगेंस्ट खड़े हो। बार बार इनके चक्कर कटवा के आप लोगों ने इन लोगों को परेशान कर दिया है। अब ये लोग समझ गए हैं, इनको भी अपनी लड़ाई का पता चल गया है कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और मजबूती से लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस देश के अंदर BJP सरकार के अंदर हक छीनने पड़ते हैं सर, मांगने से नहीं मिलते सर। और हिसार से प्रशासन से हमारी सीधी बात है कि आप बहुत जल्दी होश में आ जाओ और अपने होश में आके इन लोगों की जो नौकरियां हैं, जो इनकी गाइडलाइन है, उनको पूरा करो, इनको नौकरियां दो। तो प्रदीप जी, जो ताला लगाया गया है गेट के ऊपर, आप लोगों ने लगाया है कि प्रशासन ने खुद लगाया? आज तो प्रशासन खुद ताला बन के खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, आज तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हमें। क्योंकि दो दिन पहले आप लोगों ने तालाबंदी का एक जो प्रक्रिया अपनाई थी। बिल्कुल 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 अपनाई थी सर, और ये तालाबंदी है सर हमारे लिए। इससे और से ज़्यादा क्या होगी, ये हमारे भाई खड़े हैं, ये ताला गेट के सामने खड़े हैं, तालाबंदी है हमारे लिए। दूसरी बात, अगर ये बात नहीं मानी गई तो ये तालाबंदी संकेतिक नहीं, ये परमानेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जन सैलाब से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे जन सैलाब उभरेगा सर, यहाँ तो एक कॉल है। आज तो हम लोगों से अपील करके छोटे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप एक चीज़ देखना, बहुत जल्दी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जन सैलाब होगा। सारे संगठनों से हमारी बातचीत हुई है, सारे संगठन यहाँ पे आएंगे, सारे संगठन इन माता और बहनों का सहयोग करेंगे, जो हमारी बहनें हैं जिनको ये परेशानी हो रही है, जिन लोगों को बार बार घर से आना पड़ रहा है। आगे से ऐसा नहीं होगा सर। तो क्या आपकी प्रशासन से या जो संबंध अधिकारी है जिससे आप मिलना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, उससे कोई बात हो पाई आपकी? अभी पवार साहब, मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी। एक्शन साहब ने कहा है कि भाई तुम 11 तारीख को ना, मैंने DC मैडम से बात करी, 11 तारीख को 5 लोगों की एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना के 5 लोगों की वहाँ से मिलो। भाई कितनी बार मिले हैं ये लोग, पहले भी मिले हैं, अभी आपको एक्शन पे उतरना पड़ेगा। एक्शन, ये रिएक्शन है ना, इसके ऊपर आपने एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। हम बार बार ये कमेटी बनाओ तब मिलेंगे, वो मिलेंगे, ऐसा नहीं जी, अब मिलना पड़ेगा, बहुत जल्द मिलना पड़ेगा, और इन लोगों की बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बात बार बार में इनको घुमा दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा सर। तो आप कब तक डटे रहेंगे? सर, जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती, हम जब तक डटे रहेंगे सर। आप जानते सर, भीम आर्मी पूरे देश का संगठन है सर, किसी एक जिले, एक नुक्कड़, एक गली का संगठन नहीं है सर। आज तो हमारे कुछ पदाधिकारी आए हिसार से, कल हमारे पूरे हिसार के पदाधिकारी आएंगे, परसों अगर बात नहीं बनी तो पूरा हरियाणा के पदाधिकारी आएंगे, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता वो आएंगे। तो क्या मानने की भी आपकी, जब तक बात नहीं सुनी जाती आप लगातार यहाँ धरना देंगे? हाँ जी, हमारी जब तक, देखो संविधान को मानने वाले लोग शांतिप्रिय ढंग से धरना देते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है सर। भाई हम अपनी बातें जनता प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हमारा एक वे है, हमारा तरीका है। आप लोगों ने एक ऑफिस बंद कर दिया है? हाँ जी, हम लोगों ने तो जी बंद कर दिया, ये हमने क्या बंद कर दिया, इन्होंने खुद ही अपना ऑफिस बंद कर लिया है। आप लोगों ने नहीं किया? हमने तो प्रसुख कर दिया था जी। आपने गेट के आगे दरी बिछा ली? बिल्कुल, दरी बिछा के बैठे हैं जी, ऑफिस बंद ही है। और दूसरा, तो आपकी कोशिश है कि आप अंदर जा करके बात करें? मैं अंदर नहीं जाऊँगा सर, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे पास आएंगे, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। वो माननीय वो भाई साहब हमारे विशाल जी हैं, एक्शन साहब, वो आए थे, अभी बातचीत रखे गए अपनी कि आप यहाँ से उठ जाओ,
हम बातें मान लेंगे, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो खुद कह रहे हैं सीएमओ मैडम की गलती है, सीएमओ मैडम बोल रही कि विशाल की गलती है। अब ये पता नहीं चल रहा गलती किसकी है। जब तक हमारा एक सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं आता है तब तक हम डटे रहेंगे सर। धन्यवाद सर। लेना है ना मैं। हमारे साथ में संतलाल अम्बेडकर भी जुड़े हुए, इनसे भी बात करेंगे। भीम आर्मी के दो पदाधिकारी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, प्रदीप भानकड़ और संतलाल अम्बेडकर। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये जो हॉस्पिटल चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल के हटाए वो कर्मचारी हैं जिनको बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया था, और जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी यहाँ पे खड़े हैं और बातचीत जो इनसे करेंगे। क्या ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने की, जहां पे एक पुलिस कर्मचारी को अचानक चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं, उसको उठा करके गाड़ी में ले जाया जाता है। और जो दरी हटाई गई है वो इसीलिए हटा ली गई है कि गाड़ी को निकाला जा सके और उस कर्मचारी को मदद पहुँचाई जा सके। लेकिन बातचीत करेंगे इनसे कि क्या हुआ, ये दोबारा से दरी बिछाई जा रही है यहाँ पर। और जो पुलिस प्रशासन है वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने जो खड़ा है, उसमें से एक कर्मचारी जो अधिकारी जो पुलिस कर्मी हैं उनकी अचानक जो है तबीयत ख़राब होकर के चक्कर आके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है अंदर ले जाया गया है। और ये देख रहे हैं कि आंदोलनकारी जो है अपनी मांग को लेकर के लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बार फिर दरी बिछा ली गई है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं। वहीं से बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सागर इसके जो ये आंदोलन किया जा रहा है। जी जो ये तो न्याय हो रहा है जी, इनके साथ अन्याय हो रहा है जो भी है, ठीक है। भीम आर्मी का पूरा समर्थन है इस चीज़ के साथ, हमारे बीच में कोई जाति भेद नहीं है, सारी जाति हमारे लिए बराबर हैं, ठीक है। अब ये बहुत देर हो चुकी है, प्रशासन भी आपके थ्रू मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा हमारे पास। हमारे लोग देख रहे हैं, डीसी मैडम भी देख रही है, सीएमओ भी देख रहे हैं, जो जिनसे भी हमारी कंप्लेंट है वो सारे आपके माध्यम से देख रहे हैं ये चीज़। अब उनके जवाब का इंतजार है, उसके बाद देखते हैं कुछ।